हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं अमित परदेशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एनजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्रेश कोर्स चल रहा है और इसके बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं और आज डे 5 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और आगे मल्टीपल चार्जेस की इंटरेक्शन एनर्जी भी देखेंगे। तो ये समझते हैं कि क्या होती है इंटरेक्शन एनर्जी और कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलो देखो, तो हमारे पास एक दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 एंड दे आर सिचुएटेड आर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इन पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के पास एक एनर्जी है जो इस सिस्टम को बनाने में यूज हुई है, मतलब जब हमने सिस्टम को बनाया। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे तो पहला पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा और उस रिपेल्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क कहाँ जाएगा, वो वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसके सिस्टम की जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो होगी 1/4π ε₀ Q1 Q2 by R। ठीक है, तो ये होगी इस सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक, ये किसके लिए पढ़ा हमने बच्चों, टू चार्जेस के लिए। ये दो चार्जेस के लिए था लेकिन अगर ये मल्टीपल चार्जेस होते हैं, ये अगर मल्टीपल चार्जेस होते हैं, जैसे अगर मैं थ्री चार्जेस की बात करूं। ठीक, एक और सिस्टम ले लेते हैं Q1 Q2 एंड Q3। ठीक, Q1, Q2, Q3 का हमने एक और सिस्टम ले लिया है और इस सिस्टम की जो डिस्टेंसेस है वो है R1, R2 एंड R3। ठीक, R1, R2, R3 डिस्टेंस पे तीन चार्जेस Q1, Q2, Q3 रखे हुए हैं और इस सिस्टम की हमें इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए। तो देखो बच्चों, इसकी एक ट्रिक होती है किस तरह से इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड करते हैं। हमें दो चार्जेस की इंटरेक्शन एनर्जी तो कैलकुलेट करना आती है, बहुत अच्छे से आती है। जैसा कि हमने देखा कि दो चार्जेस अगर आर डिस्टेंस पे हो तो उनकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी 1/4π ε₀ Q1 Q2 बाय R। लेकिन अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिया जाए या मल्टीपल चार्जेस दे दिए जाए तो उस सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो समझते हैं। सबसे पहला काम जो हमें यहां पर करना है वो ढूंढना है पेयर्स, कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो ध्यान से देखो, Q1 Q2 का एक पेयर बना, Q2 Q3 से एक पेयर बन रहा है और Q1 Q3 से एक पेयर बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हो गए यहां पर 3। तो हमें तीन पेयर मिल गए, मतलब 3 सिस्टम ऑफ टू चार्जेस मिल गए। तो अब हमें सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की एनर्जी लिखना आती है, तो चलो इन तीनों पेयर्स की एनर्जी हम लिखेंगे। और अच्छी बात यह है कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो तीनों की एनर्जी का सम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, फर्स्ट पेयर की एनर्जी क्या होगी, 1/4π ε₀ Q1 Q2 by R1। सेकेंड पेयर की एनर्जी क्या होगी, 1/4π ε₀ Q2 Q3 by R2 और ये 1/4π ε₀ मैंने ले लिया कॉमन। ठीक, और थर्ड पेयर की एनर्जी क्या होगी, 1/4π ε₀ प्लस सॉरी 1/4π ε₀ इंटू Q1 Q3 बाय R3। तो अगर हम इन तीनों सिस्टम की एनर्जीज का, इन दो दो सिस्टम दो दो चार्जेस के सिस्टम की तीनों एनर्जी का सम कर दे तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इंटरेक्शन एनर्जी लिखना आ गई होगी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन इसमें भी समझ लो। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर डिस्टेंस एक्स 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 एक्स, ठीक है, और इसके वर्टाइसेस पे भी चार चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक, इन चार्जेस को मैं बोल देता हूं Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि सबसे पहले तो बताओ यहाँ कितने पेयर हैं। पहला काम तो हम यही करते हैं, सबसे पहले ये पता करते हैं कि कितने पेयर यहां पर बन रहे हैं। तो देख के बताओ यहां पर जल्दी से कितने पेयर बन रहे हैं। Q1 Q2 से एक पेयर बना, तो जब एनर्जी हम लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे 1/4π ε₀ Q1 Q2 by X, ये एक पेयर बन गया Q1 Q2 से। दूसरा पेयर यहां पे बनेगा Q2 Q3 से प्लस Q1
Q2 Q3 by x 1 by 4 pi epsilon 0 common plus Q3 Q4 से एक पेयर बनेगा Q3 Q4 by x plus Q1 Q4 से एक पेयर बनेगा Q1 Q4 by x plus अच्छा अभी भी और पेयर बचे हैं क्या यस देखो दो पेयर डायगोनल में बन रहे हैं अगर ये x है ये x है ठीक है ये x है 90 डिग्री है तो ये हो गया x root 2 स्क्वायर का डायगोनल ठीक है तो बताओ Q1 Q3 से जो पेयर बना उसकी एनर्जी हो जाएगी Q1 Q3 by x root 2 प्लस Q2 Q4 से भी एक पेयर बनेगा तो एक और सम आएगा Q2 Q4 by x root 2 और इन सारी वैल्यूज का सम करने के बाद हमें मिल जाएगी इस सिस्टम की टोटल एनर्जी ठीक है मेरे बात क्लियर है अब देखो यहां पर कुछ घुमाने के लिए क्वेश्चंस भी पूछते हैं कई बार वर्क डन के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरैक्शन एनर्जी पर तो वो वर्क डन का क्वेश्चन कैसा हो सकता है यहीं पर मैं आपको बहुत इजीली बता सकता हूं और अब इसे बहुत इजीली समझ भी सकते हैं क्योंकि एक आसान कॉन्सेप्ट है कि कई बार क्या बोला जाता है कि इस जैसे इस पर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं है ना यहीं पर एक क्वेश्चन बनाते हैं समझो कि जो चार्ज रखा हुआ है Q1 इस Q1 चार्ज को हम डिस्प्लेस करा Q2 चार्ज को भी डिस्प्लेस करो और Q3 को भी डिस्प्लेस करो और इन तीनों चार्जेस को इस तरह से डिस्प्लेस करो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसे अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं ठीक है जिससे हमें थोड़े कैलकुलेशंस आसान हो जाए एक नया क्वेश्चन एक फ्रेश क्वेश्चन जिसमें तीन चार्जेस है Q1 Q2 Q3 और डिस्टेंसेस है RRR ठीक तो ये सब R हो जाएगी वैल्यूज ठीक और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन चार्जेस को डिस्प्लेस करो खसखा बोलो इतना डिस्प्लेस करो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस थी आर वो अब डिक्रीज होकर आर बाय टू हो जाए ठीक है सभी के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होकर आर बाय टू हो जाए और ये बताओ कि आपको कितना वर्क करना पड़ा ठीक कैलकुलेट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्जेस सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बिकम्स आर बाय टू ठीक तो सभी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आर बाय टू बनाने के लिए हमें चार्जेस को डिस्प्लेस करना पड़ा और उस डिस्प्लेसमेंट में हमने कितना वर्क किया ये हमें कैलकुलेट करना है चलो करते हैं देखो ध्यान से अब एक बात बताओ ये हो जाएगी इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये सिस्टम की इनिशियल एनर्जी हो जाएगी और चार्जेस को डिस्प्लेस करने के बाद क्या हम फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R by 2 ये 2 वाली टर्म 2 ऊपर चला जाएगा प्लस Q2 Q3 by R by 2 2 ऊपर चला जाएगा प्लस Q1 Q3 by R by 2 2 ऊपर ठीक तो क्या यहां से ये 2 कॉमन आ जाता है ये 2 कॉमन आके आ गया बाहर यहां आ गया अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इनिशियल और फाइनल एनर्जी में एक डिफरेंस है ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी ये पूरी टर्म ये इनिशियल एनर्जी तो जो फाइनल एनर्जी है क्या वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी होगी यस फाइनल एनर्जी इज डबल ऑफ इनिशियल एनर्जी तो क्या सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई यस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई तो क्या एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है नहीं एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता और अगर एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता तो सिस्टम के पास तो पहले इतनी एनर्जी थी अब इतनी एनर्जी कहां से आ गई ये एनर्जी आई है वर्क डन से जो वर्क हमने सिस्टम पे किया है उस वर्क ने इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दी है मतलब वो सारा के सारा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर सिस्टम के पास चला गया है और अगर हम इन एनर्जीज का डिफरेंस ले लें अगर हम इन एनर्जीज का डिफरेंस ले लें यू फाइनल माइनस यू इनिशियल तो यू फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ यू इनिशियल माइनस यू इनिशियल तो ये डिफरेंस आ जाएगा यू इनिशियल तो चेंज इन एनर्जी इज यू इनिशियल और वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन एनर्जी तो यहां पर जो वर्क हुआ है यहां जो वर्क हुआ है वो किसके इक्वल है इनिशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल है ठीक है जो भी वर्क डन होता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के नेगेटिव के बराबर होता है तो यहां जो वर्क हुआ है माइनस ऑफ यू इनिशियल और अगर हमें Q1 Q2 और R की वैल्यूज गिवन होती
तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट करके नेट वर्क डन की न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको इंटरैक्शन एनर्जी का फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। इंटरैक्शन एनर्जी को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। दो चार्जेस का सिस्टम होता है, दोनों की वैल्यू कुछ गिवन होती है, डिस्टेंस गिवन होती है, जिससे हम उन दोनों के बीच की एक इंटरैक्शन एनर्जी निकाल लेते हैं, इस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये एनर्जी आती कहां से, वर्क डन से ही आती है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर होगी। अच्छा, जो यहाँ नेगेटिव साइन मैंने बताया यहाँ पर आपको, उसको थोड़ा हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास लेकर आ रहे थे तो ये पॉजिटिव उस पर कैसा फोर्स लगा रहा था, रिपेंशन। और हम इसको डिस्प्लेस करते हुए ला रहे थे इस तरफ, पास में ला रहे थे इसको, तो जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो क्या हमने यहाँ पर नेगेटिव वर्क किया है? यस, हमने यहाँ नेगेटिव वर्क किया है। फिर भी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि जो एनर्जी में चेंज होता है वो वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होता है। और नेगेटिव वर्क डन और नेगेटिव एनर्जी के कारण ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पर हमें मिला, और जो टोटल एनर्जी थी वो पॉजिटिव मिल गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बातें क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए, तो पहले इसे अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिए। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के तीन केसेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और उसमें से जो पहला केस है वो है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, यहां मैं देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं ध्यान से क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेट अस कंसीडर, यहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q1, जो एक फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलने वाला, कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं हो पाएगा, ऐसा एक फिक्स्ड चार्ज। और एक बहुत ज्यादा से वेरी लार्ज डिस्टेंस है ना, बहुत बड़ी डिस्टेंस, एक बहुत ज्यादा दूर की डिस्टेंस पर जाकर एक चार्ज है Q2। ठीक, अब इस Q2 चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी V0 से Q1 के पास फेंका जाता है। बात समझ में आ रही है, Q1 से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर एक चार्ज रखा Q2, और इस Q2 चार्ज को V0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी V0 से Q1 की ओर फेंका जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो Q2 और Q1 दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, तो क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने पास आने देगा, नहीं, ये ऐसे अपने पास नहीं आने देगा और इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन क्योंकि Q2 को हमने काइनेटिक एनर्जी दी है, इसे V0 वेलोसिटी से फेंका है, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये वर्क, काइनेटिक एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती रहेगी और ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन Q1 कंटिन्यूअसली इसको रिपेल करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते 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 किसी पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी Q2 की इस पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये वो पॉइंट था जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। तो देखो, ये V0 वेलोसिटी चला 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 Q1 के पास आया, और इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जीरो होने के बाद क्या होगा, Q1 अब इसको दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। इसका मतलब ये है कि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डिस्टेंस R0 को मैं बोल सकता हूं कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस थी जहां तक वो Q2 आ पाया। बात समझ में आ रही है कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस थी जहां तक ये चार्ज Q2 आ पाया। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस आया। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि जब हमने इस चार्ज को यहां से थ्रो किया था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। क्या इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख रहा हूं जीरो। क्योंकि
क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब जब ये चार्ज चलता 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 यहां आया तो यहां के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब फाइनल पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन आ चुकी है। ठीक है, तो बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे इसकी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन सिस्टम ऑफ चार्जेस की हम क्या लिखेंगे? 1/4 epsilon 0 Q1 Q2 by R naught, और हमें जो चाहिए वो क्या है? R naught। तो इस पूरी टर्म को शॉर्ट में मैं K लिख देता हूं तो हमें मिलेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर नॉट, सो आर नॉट इक्वल टू 2k q1 q2 divided by m v नॉट स्क्वायर। तो अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता हो तो हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के सेकंड केस पर, जिसमें सेकंड चार्ज जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, पहले इसे नोट डाउन करिए। चलो बच्चों, तो आते हैं हम नेक्स्ट केस पर जिसमें है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, इसमें खास बात क्या है जो पहले वाले में नहीं थी? इसमें खास बात है कि जो सेकेंड चार्ज है उसे तो हम बहुत लार्ज डिस्टेंस से थ्रो करेंगे, लेकिन अब ये वाला चार्ज फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, अब ये चार्ज फिक्स्ड नहीं है, और इसके फिक्स नहीं होने के कारण क्या होगा? पहले तो ये उस पर रिपल्शन फोर्स लगा पा रहा था, और उसके कारण, उस रिपल्शन के कारण इस चार्ज का मूवमेंट अफेक्ट हो रहा था, लेकिन ये चार्ज फिक्स था तो इस पर रिपल्शन फोर्स का कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, तो चाहे कितना ही फोर्स लगे ये अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि ये चार्ज फिक्स नहीं है तो ये भी मूव करेगा, और अगर ये भी मूव करेगा तो अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो समझते हैं। ठीक है, चलो, तो हम एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके Q2 को फेंक रहे हैं। ये डॉट 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 मैंने इसलिए बनाया कि कोई बहुत छोटी डिस्टेंस नहीं है, ये एक बहुत लार्ज डिस्टेंस ले रहा है जिससे हम इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर पाए। इसलिए एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके हमने इस Q2 को थ्रो करा इनिशियल वेलोसिटी V0 के साथ। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी V0 से थ्रो हो जाता है और इसका मास से m है, और m मास और V0 वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करता है। अब होगा क्या, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां कहीं आ जाएगा, Q2 यहां कहीं आए और Q1 यहां कहीं है, ठीक, तो Q1 चार्ज इस Q2 पर एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और Q2 चार्ज इस Q1 पर एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इस, अच्छा, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो तो म्यूचुअल अट्रैक्शन रिपल्शन है, या म्यूचुअल रिपल्शन है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होगा। तो अब क्या होगा, ये जो रिपल्शन फोर्स Q2 पे लग रहा है ये इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन क्रिएट करेगा जो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन ये तो रेस्ट में था इनिशियली, ये जो चार्ज था ये तो रेस्ट में था, अब रेस्ट पे लगने वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, रेस्ट में रहने वाले चार्ज पे जो फोर्स लगा वो उसे एक्सेलरेट करेगा। तो देखो ध्यान से देखो, समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोलिजन में भी यही होता है, अगर ये आपको अच्छे समझ में आएगा तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसे बहुत ध्यान से समझो कि इस चार्ज पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, किसके बैकवर्ड? वेलोसिटी के बैकवर्ड, तो इस डायरेक्शन में एक डीएक्सेलरेशन, एक रिटार्डेशन जनरेट हुआ जिसने वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर दिया, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती थी, और इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, एकमात्र फोर्स है अकेला, तो इसने क्या करा, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू किया। अब हो क्या रहा है, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन अभी इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, और इसने तो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू किया, तो Q2 अभी भी पास जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, और Q1 थोड़ा दूर फंसकेगा,
Q2 और पास आएगा, Q1 थोड़ा और दूर खसकेगा। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक, अच्छा Q2 के पास जाने से हो क्या रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और Q1 की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कब तक डिक्रीज होती रहेगी, कब तक डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीजेस लिखा है मैंने, तो डिस्टेंस कब तक डिक्रीज होती रहेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते इसके बराबर ना हो जाए, या फिर ऐसा बोलो Q1 की वेलोसिटी इंक्रीज होते होते इसके बराबर ना हो जाए। फिर समझो, देखो क्या हुआ था, ये तो बेचारा बैठा हुआ था चुपचाप, ये आया इसके पास, अब इसने इस पर रिपल्शन फोर्स लगाया जिससे अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला रिपल्शन इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसने बोला अच्छा रिपल्शन लगाएगा, ये रहे को रिपल्शन, इसने भी रिपल्शन फोर्स लगा दिया, अब इस रिपल्शन के कारण इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, तो ये भागा, ये भी भागा, डिस्टेंस कम हुई, फोर्स और बढ़ा, इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज हुई, इसकी और इंक्रीज हुई, लेकिन अभी भी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये और आगे गया, तो एक ये पास जाते जा रहा है, दूर जाते रहा, ऐसा कब तक होता रहा, कब तक होता रहा, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, क्योंकि जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है वो आगे बढ़ता रहेगा, और जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा फोर्स इंक्रीज होता रहेगा, और जब तक फोर्स इंक्रीज होता रहेगा दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती रहेगी, ये डिस्टेंस तब तक कम होगी जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से वो आपको क्लियर होगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस तब तक डिक्रीज होगी जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। वेरी गुड, तो देखो अब मैं यहां पे बना रहा हूं दोनों पार्टिकल्स को, पीछे से आ रहा था Q2, आगे चल रहा था Q1, इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, इसकी वेलोसिटी भी हो चुकी है v, अब ये इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके बराबर है, या ऐसा बोल दो दोनों रिलेटिवली रेस्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, पहले पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी और डिक्रीजिंग स्टेट में थी, इसलिए मैंने डाउनवर्ड साइन बनाया, डिक्रीजिंग स्टेट में थी लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड में इससे तो ज्यादा ही थी इसलिए आगे बढ़ता गया, इसकी वेलोसिटी कम थी लेकिन इंक्रीजिंग स्टेट में थी इसलिए ये भी स्लोली आगे बढ़ता गया, ऐसा तब तक हुआ जब तक दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम ना हो जाए, और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम होगी इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, और इस डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम एक वी नॉट और वी में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, वी नॉट और वी में एक रिलेशन बना लेते हैं, और वो रिलेशन बनाएंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि ये दोनों सिस्टम के पार्टिकल है और जब सिस्टम का पार्टिकल ही सिस्टम पर फोर्स लगाता है तो हम उसे एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं कर सकते, और इफ एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक, तो बाय द कंजर्वेशन, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर देखो इसका मोमेंटम कितना है, यहां पर इसका मोमेंटम है एम वी नॉट इक्वल टू, ये इसके पास गया, अब सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या है, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है, अच्छा एक काम करते हैं इसका मास m1 और इसका मास भी m2 ले लेते हैं, अगर दोनों के मास सेम होंगे तो m1 m2 की वैल्यू m रख देना, अलग अलग होंगे तो अलग अलग रख देना, m1 m2 लेना ज्यादा अच्छा है, तो इसका मास मैंने m1 ले लिया तो मैं यहां m1 लिख देता हूं, इसका मास m2 है, तो देखो अब यहां पर फाइनल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, तो फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे m1 v प्लस m2 v, ठीक, इनिशियली ये अकेला मोशन में था और फाइनली दोनों मोशन में है, तो दोनों के मोमेंटम का सम पहले वाले के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, चलो यहां से v को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो v की वैल्यू मिल जाएगी हमें m1 v नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो इस तरह से हमें वो वेलोसिटी मिल गई जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम पर होगी, लेकिन हमें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे मिलेगा, यहां पर लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो बाय द कंजर्वेशन ऑफ
बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन से देखो, यहां पर बताओ इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लिख देता हूं जीरो इक्वल टू। अब इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है तो देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, ये एम वन है तो इसको मैं लिखूंगा हाफ एम वन वी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी स्क्वायर, तो हाफ एम वन प्लस एम टू वी स्क्वायर कॉमन, हाफ एम वन वी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर और हाफ कॉमन एरिया। अच्छा ये एक सिस्टम भी बन चुका है आर नॉट डिस्टेंस पे, तो सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर नॉट, के क्यू वन क्यू टू बाय आर नॉट, व्हाट इज के, इट इज वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं है, ये है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, याद रखना इस बात को। चल क्या चाहिए हमें, आर नॉट, तो अच्छा एक काम करते हैं पहले वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक, और इस टर्म को मैं इधर भी ले आता हूं, तो हाफ एम वन वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एम वन स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर, और ये एम वन प्लस एम टू कैंसिल, तो एम वन प्लस एम टू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर नॉट, ठीक, इतनी बातें क्लियर है। चलो देखते हैं एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम देखो क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2m1 plus m2, यहाँ क्या आ रहा है एलसीएम 2m1 plus m2, 2 कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा m1 square v0 square plus m1 m2 v0 square minus m1 square v0 square equal to k q1 q2 by r0, ये वाली टर्म हो जाती है कैंसिल, हो जाती है कैंसल, हमें चाहिए आर नॉट, तो देखो आर नॉट की वैल्यू में अब यहां लिख रहा हूं आर नॉट इक्वल टू, ये आ गया ऊपर, ये टर्म चले जाएगी इधर, तो ये आ जाएगा टू के क्यू वन क्यू टू ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन एम टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हमें मिल जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उस केस में जब सेकंड पार्टिकल फिक्स्ड ना हो और वो भी मोशन करे, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो सबसे ध्यान देने वाली और याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि कब तक ये चार्ज पार्टिकल इसके पास आ पाएगा, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, और दूसरी बात कि जब भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप यूज करिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करनी हो तो यूज करिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है, इसे नोट डाउन कर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का केस थर्ड, ठीक है। देखो केस थर्ड में एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्यू नॉट क्यू वन यहां पर एक चार्ज है, अगेन इट इज फिक्स्ड, एक फिक्स चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज क्यू टू जिसे वी नॉट वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, ठीक है। और अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अभी तक जो थ्रो हो रहा था वो चार्ज की लाइन में ही था, वो उसके साथ बिल्कुल कोलिनियर था, लेकिन इस बार जो थ्रो हो रहा है वो x डिस्टेंस से हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच की जो इन दोनों के प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है x। तो कैसे अब हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहां कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ध्यान दो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में दो तरीके बताए थे, पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करो, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करो। तो क्या करें हम लोग, पहले यहां पर पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यार लीनियर मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है बच्चों, और अगर लीनियर मोमेंटम नहीं लग रहा है तो हमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, लेकिन कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, तो मोमेंटम के परपेंडिकुलर जो पार्ट है इसका वो है एक्स, ठीक। तो देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैं इसको लिख देता हूं,
माई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से जो इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का, मास ले लेता हूं इसका एम वन। वैसे इस बार ये फिक्स पार्टिकल है तो मूव नहीं करेगा, तो एम मास लेना भी चलेगा। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम वी नॉट, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम के परपेंडिकुलर मतलब ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके दो कंपोनेंट्स बनाओ तो ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे। अब इन दोनों कंपोनेंट में से वो वाला कंपोनेंट देखो जो इसके मोमेंटम के परपेंडिकुलर है वो है x, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट x, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम को l से रिप्रेजेंट करें तो उसको लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम इंटू आर परपेंडिकुलर टू पी, ठीक। तो जो l है उसको मैं लिख रहा हूँ p इंटू आर परपेंडिकुलर टू पी, ठीक। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब थोड़ा फाइनल मोमेंटम के बारे में समझते हैं कि फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा, ठीक। तो देखो एक्चुअली होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे चलेगा और डिफ्लेक्ट होता जाएगा, और डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से यहां से निकल जाएगा किसी पॉइंट पर। ये एक टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। से वेलोसिटी इज वी, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होते होते वी हो चुकी है, तो हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर वेलोसिटी और इस क्यूब के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम होती है, एंड वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो हमें जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगी। दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब हो सकती है, जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो देखो वेलोसिटी के साथ जहां भी आर परपेंडिकुलर होगा या ऐसा बोलो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो देखो ये जो पार्टिकल था एम क्यू टू चार्ज वाला वो वी नो वी वेलोसिटी से इधर चला गया। तो अब एक बात बताओ कि सिस्टम का ये तो रेस्ट में, ये फिक्स पार्टिकल है, फिक्स पार्टिकल है, सो इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, ऑलवेज एट रेस्ट, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम इसके पास है। तो अब इसका मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम हो गया एम वी, एम वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंटम के आर नॉट, तो ये हो जाएगा आर नॉट, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें v मिलेगा v नॉट x बाय r नॉट, ठीक। तो इस तरह से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई जो यहां से थ्रो करने के बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगी, ठीक। लेकिन हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इस टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इस पर कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगी। यहां पर कौन सी एनर्जी इसके पास, काइनेटिक, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं तो वी नॉट एक्स बाय आर नॉट स्क्वायर प्लस सिस्टम आर नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी भी रखेगा अपने पास, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू बाय आर नॉट, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज के, फिर से याद दिला रहा हूं, इट इज 1/4πε0, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहां पर नहीं है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आर नॉट का स्क्वायर आ रहा है, आर नॉट भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो यहां पर आर नॉट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, आर नॉट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूं, वो बहुत लेंथी चलेगा, और इसे आप खुद सॉल्व करिए, बहुत इजी है। आर नॉट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सीधे फॉर्मूला लगाइए माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और वहां से आपको आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। एंड व्हाट इज आर नॉट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है।